मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ मुरादाबाद के थाना छजलैट में 2008 में रोड जाम करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज है, जिसका संज्ञान ले लिया गया है। आजम खान के वकील का कहना है कि कोर्ट की तारीख 12 मार्च है, जिसमें आजम खान को हाजिर होना ही पड़ेगा। मुरादाबाद में आजम खान के नजदीक सपा नेता यूसुफ मलिक ने बताया कि 2008 में बसपा की सरकार थी, रोड जाम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया था, जबकि पूरे मंडल के सपा नेता वहीं मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के वकील दिनेश पाठक के अनुसार मुरादाबाद में भी जमानत लेने के लिए आना पड़ेगा। वकील का दावा है कि बिल्कुल आएंगे, आना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश तो आदेश ही हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। और चेक किया गया, विधायक थे और वो मुकदमा एक लिखा गया था रोड जाम का, जिसमें इकबाल नवा अमरोहा के जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, महबूब अली जी हैं, इकराम कुरैसी थे, और सिवारा नूरपुर से जो विधायक हैं नईमुल हसन और डीपी यादव जी थे, कई लोग इसमें शामिल थे। अब उसमें चूंकि इलाहाबाद में ये एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल बनाई गई थी, तो जब ये फाइल इलाहाबाद में थी तब आजम खान साहब ने अपना और अब्दुल्ला आजम खान साहब का जो जमानत कराई थी वहाँ पर, उसके बाद ये एमपी एमएलए कोर्ट अभी ही फिलहाल कुछ दिनों में ट्रांसफ़र होकर हर जिले वाइज हो गई थी, जिसमें उनको पता नहीं चला कि फाइल यहाँ आ गई और उसमें इन्होंने बीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिए थे। अब चूंकि आए दिन आप सारा देख रहे हैं आजम भाई व्यस्त होने के कारण एक डेट पे और नहीं पहुंच पाए, तो उन पर एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया, 82 की कार्रवाई कर दी गई थी। अब कल मान्यवर ने जो है रामपुर में कोर्ट के समक्ष अपने आप को समर्पण किया है कुछ मुकदमों में रामपुर के, तो जेल चले गए रामपुर की और रामपुर की जेल से सीतापुर ट्रांसफर हो गए। तो आज यहाँ पर जो 82 की कार्रवाई थी, तो हमने उसमें तलबी एक अपने आप को सरेंडर एप्लीकेशन यहाँ पर आजम खान साहब के वकील के द्वारा डाली गई थी। उस एप्लीकेशन को जो है कुछ कमी रह गई थी, जिसमें जो है आज जज साहब ने उसको कल सुनने के लिए बोल दिया है, उसका कुछ नंबर गलत हो गया था, इसलिए वो कल सुनवाई होगी उस पर 12:30 बजे। नहीं, 82 क्योंकि एनबीडब्ल्यू जारी थे उसमें 82 की कार्रवाई हो चुकी है, तो अब चूंकि वो कोर्ट में है, जेल में है, तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरा जो केस है उसमें भी अपने आप को सरेंडर कर दें। यानी कि रामपुर में 82 की कार्रवाई, मुरादाबाद में कार्रवाई जी 82 की वो सेम थी। सेम थी, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो मुकदमा था वो रोड जाम का था और वहाँ जो था वो माननीय अब्दुल्ला आजम खान साहब का डेट ऑफ बर्थ वाला मामला था। अंदर अदालत में कुछ नहीं, वो एप्लीकेशन दी गई, उसमें कुछ कमी पाई गई, तो वो कल के लिए उसमें तारीख तय की गई है। कल यानी कि कल आज 27 है, कल 28 तारीख जुमे के दिन, शुक्र के दिन। क्या लगता है? नहीं कुछ नहीं, सरेंडर एप्लीकेशन डाली जाएगी उसमें, और चूंकि मान्यवर जो है ऑलरेडी जेल में है, और सरेंडर एप्लीकेशन डाल के इस मुकदमे में हम मान्यवर और अब्दुल आजम खान साहब दोनों सरेंडर एप्लीकेशन डाल के अपने आप को सरेंडर करेंगे। नहीं, उस केस में मान्य विधायक जी नहीं है। क्या लगता है आपको, अदालत से क्या उम्मीद है? नहीं, अदालत से हमें पूरी उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है, और अदालतों में हमेशा न्याय होता आया और हमें न्याय मिलेगा, और ये हमारा कानून और हमारा जो संविधान है वो हमें राइट है हमें अपने बात रखने का अदालत के समक्ष, और हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। अभी तक हमें न्याय मिला है अदालतों से, आगे भी हमें मिलेगा। इतने सारे मुकदमे हैं जी, जी तो क्या लगता है आपको, क्या है किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, जो मुकदमे हैं, मुकदमा आप थाने जाएं मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लेके, थाने में आपको संतुष्ट करने के लिए मुकदमा लिख दिया जाता है। अब ये तो जांच का विषय है कि उसमें सही पाया जाए या गलत। अब मनमाने तरीके से जो है पूर्व में जो एसपी साहब थे, उन्होंने गलत तरीके से अपनी गलत पद का इस्तेमाल करते हुए ये जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं, पैर चलने लायक नहीं है। अदालत से पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, इंशाल्लाह न्याय मिलेगा, न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। आजम खान साहब बहुत ईमानदार बेदाग नेता हैं, और उनकी ईमानदारी की
कोई मुकाबला नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है उनकी ईमानदारी को, उनकी काबिलियत को, और हमें अदालत पर पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा। ऐसा था, थाना छजलेट में एक बार जो है एक हुआ था मैटर, और मैटर क्या हुआ था कि पुलिस ने कुछ अभद्रता की थी एक जनप्रतिनिधि के साथ, तो इन्होंने धरना दिया था छजलेट में। जब छजलेट में धरना दिया तो वहाँ पर जो है कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे, तो 353 और 147 और 100 में इसमें जो है इनको FIR लिखा दी थी। उस FIR के बाद चार्जशीट लग गई। चार्जशीट कॉग्निजेंस होने के बाद इस मैटर में जो ये मैटर था ये शिफ्ट हो गया इलाहाबाद MLA MP कोर्ट में। वहाँ पर इन्होंने बेल कराई जनवरी 19 में बेल कराई है, और बेल कराने के बाद जो मैटर था वो मुरादाबाद आ गया, इनको जानकारी मिली नहीं, तो उसमें जो है वारंट हो गए थे और 82 की कार्रवाई हो गई। तो चूंकि वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी गई है, उनको तलब कर लिया जाए, तलब करने की एप्लीकेशन दे दी है, कोर्ट ने ये पूछा था कि साहब किस जेल में है ये बताइएगा हमें, तो हमने कहा ठीक है हम कल बता देंगे। तो कल इसीलिए इसी पॉइंट पर कि किस जेल में है केवल ये पूछने के लिए जज साहब ने कहा है, तो वो तलब हो जाएंगे, केस प्रोसीड कर जाएगा। तो यहाँ से क्या कोर्ट के ऑर्डर थे उनके लिए, आजम खान के लिए? NBW थे, नॉन बिलेबल वारंट थे, 82 थी उनकी। ठीक है जी। तो उसके बाद में जो कब आपने जो एप्लीकेशन जो है मूव की है? आज हमने एप्लीकेशन मूव की थी। हुआ ये था इसमें कि जो एप्लीकेशन मूव की थी तो एप्लीकेशन का जो ST नंबर था, उस ST नंबर में उस फाइल को सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि इनके खिलाफ NBW भी था और 82 भी था, तो उसको सेपरेट कर दिया गया। तो कई आरोपी थे इनके साथ? हाँ, इनके साथ कई आरोपी थे, मनोज पारस भी हैं, DP यादव भी हैं और यूसुफ मलिक भी हैं, तो कई आरोपी थे, उन लोगों की फाइल सेपरेट कर दी गई है। जो फाइल सेपरेट है, इनकी फाइल सेपरेट है, तो फाइल नहीं मिल पा रही थी, तो फाइल ढूंढी गई, ढूंढने के बाद में वो एप्लीकेशन मूव की गई है वहाँ पर। तो चूंकि फाइल सेपरेट हो चुकी है, इसलिए कल जो ही उस पर हियरिंग होनी है। क्या एप्लीकेशन मूव की गई? एप्लीकेशन ये मूव की गई कि साहब इनको तलब कर लिया जाए रामपुर जेल से, चूंकि रामपुर जेल में थे नहीं, बाद में पता ये चला मुझे कि रामपुर जेल में नहीं है, तो इसलिए कन्फर्म करके कि सीतापुर जेल में है, तो वहाँ से ये एप्लीकेशन दी गई है। कोर्ट की तरफ से क्या डेट दी गई है? कोर्ट की तरफ से तो 12/3 लगी हुई है, पहले ऑलरेडी फिक्स है 12/3 में। सुनवाई हुई आपकी एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन में सुनवाई हुई, लेकिन मेन चीज वही आई, फाइल नहीं मिल पाई, जिस नंबर की ST नंबर थी वो फाइल सेपरेट हो गया, ST नंबर चेंज हो गया उसमें, जब ST नंबर चेंज हो गया तो ये फाइल नहीं मिल पाई थी उसमें, ये है इस वजह से उस पर आज प्रॉपर ऑर्डर नहीं हो पाया। और ये भी इंक्वायरी करनी थी कि साहब सीतापुर जाएगा मैटर, सीतापुर में है इस समय या रामपुर में है, इसलिए। एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते क्या समझते हैं आप, आजम खान जो है मुरादाबाद आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, आना पड़ेगा उनको, आना तो, और चूंकि कोर्ट के आदेश तो आदेश ही है, तो कोर्ट होगा ये इसमें कि पहले ये आएंगे, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन मूव होगी, यानी कि यहाँ से भी बेल लेनी पड़ेगी, बेल लेनी पड़ेगी आजम खान जी। जी जी, खाली इसमें जो है मुरादाबाद में खाली आजम खान जी हैं या उनके बेटे या उनकी पत्नी? अब्दुल्ला आजम भी है, उनके बेटे भी है, इसमें पत्नी नहीं है इसमें। अच्छा, मुरादाबाद में जो मैटर? हाँ, मुरादाबाद में जो मैटर है पत्नी नहीं है, और इनके आजम खान साहब हैं, उनके बेटे हैं अब्दुल आजम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।